हमीरपुर शहर के बीचों बीच स्वर्ण कार का काम करने वाले अजय सोनी की लिखावट देखकर हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि हो भी क्यों ना, अजय की उंगलियां जब कागज पर चलती हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई मशीन लिख रही है। सुंदर लिखावट के साथ मशहूर अजय सोनी की लिखावट स्कूल समय से ही सुंदर है। अजय सोनी का कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम को सफल बनाने के लिए भी आगे आना चाहिए। उन्होंने बताया कि 1992 में स्कूल छोड़ा है और बाल स्कूल में अध्यापक स्वर्गीय रतन शान के आशीर्वाद से लिखावट बना पाए हैं। उन्हें बताया कि आजकल मात्र भाषा हिंदी को लोग पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और स्कूलों में भी हिंदी के ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। अजय सोनी का मानना है कि सरकारी कार्यालयों में भी अंग्रेजी की बजाय हिंदी में ज्यादा काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिन भर सोने का काम करते हैं और रात के समय 1 घंटे तक हिंदी लिखने की प्रैक्टिस करते हैं ताकि लिखावट और सुंदर बन सके। ये मेरे गुरुजी थे श्री रतन शान जी, हमारे को तमिल पढ़ाते थे पहले बॉय स्कूल में। मैंने 92 का स्कूल छोड़ा होगा तो मैंने सीखा तो नहीं है, पर उन्होंने मेरे को उड़ के भी बुलाया, पर मैंने टिप्स लिए थे, 1-2 टिप्स मिले थे, पर उन्होंने इतना मेरे को जरूर बोला था कि लिखने से आएगा और पढ़ने से नहीं आएगा। तो मैं जो भी बदलता हूँ, मेरी जो आज लिखावट है वो सब शिक्षक जो है गुरु है उसकी बदौलती, जो श्री रतन शाह जी थे उन्होंने मुझे सिखाया। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी लिखाई को थोड़ा सा आगे से आगे बच्चे ले जाएं, और हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, अंग्रेजी में काम नहीं होना चाहिए, हिंदी में काम हो। मैं चाहता हूँ हिंदी में काम हो, और जो भी आने वाली जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ हर स्कूल में थोड़ा सा जो पहला पीरियड होता है वो हिंदी का हो, और उससे लेकर गयो तक जो बच्चा बिल्कुल सही लिखेगा, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी लिखावट में सुधार होगा और हिंदी जो है आगे से आगे बढ़ती जाएगी। ये हमारी मातृभाषा है, अंग्रेजी को थोड़ा पीछे रखो, जो काम हिंदी में होगा मजा हिंदी में। जो हमारे से श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने इतना अच्छा जनगण मन लिखा हो तो इंग्लिश में क्यों बोलना, हमने हिंदी में लिखा, हिंदी में करो उसको। तो हिंदी को मैं चाहता हूँ कि आगे सर, और मैं इसके लिए मैं दिन भर सुनने काम करता हूँ, पर रात को मैं 1-1.5 घंटे इसके लिए निकालता हूँ लिखावट के लिए। और जो भी दिमाग में बात आती है जिस दिन में बेचारा, जिस दिन में कोई भी चीज़ मैंने देख ली तो उसको एज इट इज उतार देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें पेन आ गया तो पेन आने का मतलब है कि मेरी उंगली अपने आप चल पड़ती है और सीधा पेटी के ऊपर लिख दी है मैंने, और ये अभी दिमाग में बात आई और अभी लिख दी है मैंने, 2-3 मिनट में लिख दिया। और मैं चाहूँ तो इसको और भी छोटा लिख सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ बेटी, आजकल बेटी के ऊपर ही है तो बेटी को बचाना चाहिए। बेटी को शिक्षित करना मतलब है समाज को शिक्षित करना, जो काम बेटी कर सकती है वो बेटा नहीं कर सकता। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बेटी को पढ़ाओ, और बेटी जो है जो काम बड़े से ऊंचे आसमान में बेटी हो सकती है, लड़का नहीं कर सकता।